आठ ज्योतिषियों ने पहले जब गर्भ धारण किया था, सपना का फल बताते हुए कहा था आठ ज्योतिषियों ने, महाराज आप घबराओ मत, आपके महल में पुत्र रतन का जन्म होने वाला है, और वो भी ऐसा पुत्र रतन अगर ये राजा बने भी तो धर्म धार्मिक राजा बन जाएगा, बुद्ध बनेगा तो लोगों का कल्याण कर लेगा, आप तो यहाँ केवल शाक्यवंश के राजकुमार के राजकुमार हैं, जब ये बुद्ध बन जाएंगे तो पूरा संसार में ज्ञान की दीपक जलाएगा और प्रसिद्ध हो जाएंगे और लोगों को लोक कल्याण का रास्ता दिखाएंगे, ये कहा था ना। वही आठ ज्योतिष जो आचार्य थे ना, वो आचार्य उसमें लिखा हुआ है पाली ग्रंथों में, कंजूर आजकल पाली में भी छपा हुआ है, उसमें लिखा है जो उनका नाम थे शंभ है, ध्वज है, ये लखन है, मंत्री है, कौंडन, बोध, सुयाम, ये पंडितों का नाम है। इन पंडितों से उन्होंने पूरा ज्योतिष सीखा भगवान बुद्ध ने, 8 साल की उम्र से, 16 साल की उम्र तक 8 साल तक ज्ञान को सीखते रहे, जैसा हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, वैसे उन दिनों में गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में जाते ज्योतिष विद्या को सीखा। इसके अतिरिक्त उन दिनों में जितना भी आचार्य थे, लोपन थे, खेम्पो थे, जितना भी ऋषि लोग थे, उन लोगों से योग सीखा, वेद सीखा, और जितना भी उन दिनों के शास्त्र हुआ करता थे, चाहे धर्म शास्त्र हो या जो भी है, उसके लिए कह सकते हैं कि योग बिगड़े, वेद बिगड़े, कुछ होते हैं ना, वेदों का अध्ययन किया, योग का अध्ययन किया, जितना भी अध्ययन था सब उन्होंने अध्ययन करके, इतना दिमाग था बोलते हैं कि एकदम जैसे ही पढ़ा वैसे ही वो जानते थे, सुनते सीखे है ना, ऐसा जानते थे। तो उसके बाद सिद्धार्थ जी के मन में जो है, फिर भी जितना भी पढ़ाई करे तो उनका मन जो है जंगजुक सुंबा होने के नाते हमेशा लोगों के दुखी को देख करके स्वयं दुखी हो जाते थे, बालक थे अभी 12-13 साल के वर्ष के बालक थे, बहुत दुखी होते थे। फिर उनके मन में जो है हमेशा, क्योंकि उन दिनों में शाक्या राज, राजा का मतलब है खेती बाड़ी, बड़ा बाड़ी होता था, कम से कम 50-60 किलोमीटर का खेती बाड़ी होता होगा राजा का, है ना, उसमें मजदूर होते हैं, काम करने वाले मजदूर होते हैं, उन मजदूरों का हालत देख करके वो बहुत दयावान हो जाते थे, मजदूरों से खूब काम दिलाया जाता था, उन्हें ढंग से रोटी नहीं मिलना, कपड़ा नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, वेतन नहीं मिला, ये सब उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता था। अपने पिता के प्रति भी वो विरोधी बन के बैठे थे कि ये काम करने वाले लिए, कमाने वाले लिए, खाने वाले आप, ये तो सरासर गलत है, विश्व का कानून नहीं है, विधान नहीं है, सत्य का वो नहीं है, रास्ता नहीं है, ये सब गलत है, भ्रष्ट, जो भ्रष्टाचार बोलते ना आजकल, ये भ्रष्ट है बोल के वो हमेशा विरोध करते थे। फिर भी पिताजी ध्यान नहीं देते थे, वो तो राजा ही बनाना चाहते थे अपने पुत्र को, ऐसा करते करते कल मैंने उदाही नाम के मंत्री के द्वारा उनको फंसाने का उन्हें बोला था, षोडशी देवियों को वहां गठित किया गया, उनका मन विचलित हो जाए, सब किया। फिर ऐसा करते करते बाद में 16 साल की उम्र जब होता है सिद्धार्थ जी का, राजकुमार सिद्धार्थ जी भगवान का, तो यशोधरा जो जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उस दिन यशोधरा का भी जन्म हुआ ना, उस यशोधरा से पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म के अनुसार, उस यशोधरा से, वो यशोधरा एक दंडपानी नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थे, उनसे विवाह कर दिया 16 वर्ष की उम्र में भगवान का शुमारा शुद्धोधन ने। लेकिन जो ये यशोधरा जो थी, ये यशोधरा भी पूर्व जन्म से कई जन्मों तक भगवान बुद्ध के सेवा करी रही है। कल जब दीपंकर बुद्ध का जो मैं स्टोरी बताया था ना, जब बुद्ध आ रहे थे तो दीपंकर संघ भर में से आ रहे थे, तो कीचड़ में कहीं वो गंध बुद्ध के शरीर में ना लग जाए समझ करके अपने शरीर को लिटा दिया था ना, उस समय बताया था ना, ये सुमेध जो है आज से कई हजार वर्ष बाद में लुम्बिनी वन में जन्म होकर के शाक्या राज शुद्धोधन के घर में जन्म होकर के शाक्या मुनि के नाम से प्रसिद्ध होगा, यही दुर्जय चौथा में भी कहा हुआ है ना ये। तो उसी समय ये सुमित्रा नाम की ये औरत थी भगवान बुद्ध के, जब वो ब्राह्मण थे तो बोला कि ये जो सुमित्रा है ये भी उस दौरान जब भगवान बुद्ध का जन्म होगा लुम्बिनी में और जब बड़ी हो जाएगी तो ये यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी के रूप में जन्म लेगा, वो क्या वही यहाँ विद्रा होता है, समझ गया ना। तो 16 साल की उम्र में ये सब ले ठीसी किया होता है ना, मोलम और ले के साथ ठीसी करके यहाँ 16 साल की उम्र में जो है क्या कहते हैं यशोधरा जी का देवदा के दंड पानी नाम के राजा के साथ वो किया जाता है, क्या कहते हैं शादी किया जाता है, विवाह किया जाता है। विवाह करने के बाद फिर भी उनका मन ना लगे, लेकिन यशोधरा उनके जन्म जन्मांतरों से शरभ दंग शरभ केवा नोमा पहले जन्म से उनके साथी थे ना, तो यशोधरा भी जानती थी कि मेरा पति बुद्ध होने वाला, जानती थी, लेकिन वो देवत ऐसी कर रहे हैं वो साथ आ गए। और फिर ऐसा करते करते उनका एक पुत्र भी जन्म हुआ, पुत्र का नाम थे से डचिन जिन बोलते हैं, राहुल संगे चुंगिंदे का सेस भी था पता है ना पहले, राहुल से डचिन जिन बोल के ऐसा पैदा हुआ था। फिर ऐसा करके जो है उस समय जो है फिर राजा बहुत खुश हो गए,
सोचा कि अब तो विवाह भी हो गया, बच्चा भी हो गया, अब तो भगवान बुद्ध को घर छोड़कर गृह त्याग करके जो है जंगल में जाकर के तपस्या करने का मौका ही नहीं मिलेगा, अब तो फंस गए सोचा महाराज सिद्धोदन जी ने, अब तो फंस गए घर गृहस्थ में फंस गए सोचा। फिर उसके बाद फिर भी उनके चरित्र को देख करके हमेशा एक स्थान में रहना, बम लगा के बैठना, लोगों के दुखी को देख करके दुखी होना, सबको सुख पहुंचाने का विचार करना, ये सारी चीजें जो है भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ के रूप में, ये जब इन चरित्रों को देख करके शुद्धोदन हमेशा परेशान रहते थे, शादी हो गया, बच्चा हो गया, फिर भी इसका मन जो है मोह माया में नहीं लगाया, फिर भी ये शांत है, ये कुछ गलत होने वाला समझ करके हमेशा डर के रहते थे, डर में रहते थे महाराज शुद्धोदन जी। फिर भी मैंने बताया था ना, क्या कहते हैं, उन दिनों में जो है उनको फंसाने के लिए तीन तरह के महल बना दिया गया, बसंत ऋतु के लिए, शरद ऋतु के लिए, ग्रीष्म ऋतु, उन महलों का भी कुछ असर नहीं पड़ा, कल बोला था है ना, वहाँ भी असर नहीं पड़ा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद महाराज ने जो है भगवान को फंसाने के लिए बड़ा उल्टा सीधा व्यवस्था करके रखा था जी, मदिरा शराब शराब बोलते ना शराबों को शराब पिलाना शुरू कर दिया, राजकुमार जी को उल्टा सीधा खिलाना ताकि ये फंस जाए संसार के, बहुत कुछ इन्होंने नाटक किया, लेकिन भगवान कहाँ उसमें लगने वाले नहीं थे। अब भगवान जो है 20 साल की उम्र को होने को आए है ना, 20 साल के हो गए, 20 साल का जब उम्र हो गया तो उन दिनों में जब महाराज जी वहाँ जहाँ भी राजा का वो होता है ना राजघराने, वहाँ पर राजकुमार को रियासत का सदस्य बनना पड़ता था, और खासकर ये शाक्या, जो शाक्या का मतलब क्या बताया, शाक्या का मतलब एक राजा का एक वंश है, वंश समझ गए ना, सूर्य वंशी वंश, शाक्या वंश, चौहान वंश बोल के होता है ना, सैन वंश, ये शाक्या जो है संगस का रिक्स का वंश है शाक्या। तो उन शाक्याओं का एक एक सम्मेलन चलता था और सम्मेलन चलते चलते जब कोई राजकुमार या जो भी व्यक्ति हो जब 20 साल को होने को आता ना, उस समय उसका सदस्य चुन लिया जाता था। तो जब 20 साल के भगवान हो गए तो उस समय उनको एक मीटिंग बुला करके राजा के मंत्री सब राजघराने के लोग बैठ के सब जितना भी सदस्य बैठ करके मीटिंग करके उनको सदस्य बनाया गया, मेंबर बनाया गया, शाक्या खानदान का मेंबर बना। उसमें कई कई प्रतिज्ञा होता है कि अगर देश के ऊपर कोई आन आए तो बिना गलती वलती ढूंढे बस अपने देश के लिए खून भी बहाना चाहिए बोल के, ऐसा ऐसा प्रतिज्ञा होता है, सब मजबूर में अपनाना पड़ा, उन्होंने अपनाया, ऐसा हो गया। जब बुद्ध 28 साल के हो गए थे 28 साल की उम्र में वहां पर बारिश नहीं हुआ, कपिल वस्तु के वहां पर रियासत में बारिश नहीं हुआ, एक सामने एक नदी था बोलते हैं रोहिणी नाम की नदी, उस रोहिणी नाम के नदी में जो पानी का स्तर घट गया, पानी का स्तर घट गया, बारिश नहीं है, और उस तरफ कोलीय राज्य था, इस तरफ शाक्य राज्य था, जब उसमें पानी भरा होता था उस पानी को बांध करके सिंचाई करते थे, ये पानी के लिए झगड़ा तो किन्नौर में बहुत होता है, आप लोग जानते ही हैं, ये पानी वाला झगड़ा आ गया, वो पानी वाला झगड़ा आ गया। तो अब शाक्याओं ने मीटिंग किया कि हम जो है पानी रोहिणी नदी का पानी जो हम खुद सींचेंगे, कोलियों को नहीं देंगे, कोलीय राज्य को नहीं देंगे, इसमें झगड़ा हो गया। फिर क्या किया कि युद्ध के बिना हम पानी को अपना नहीं कर सकते, युद्ध करना है, ऐसा मीटिंग किया, युद्ध करना है, लड़ाई करना है। तो सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध है भगवान, वो तो सदस्य बन चुके हैं, तो वहां पर प्रतिज्ञा ले था कि शाक्या जो फैसला करता है उसका अनुसरण करना पड़ता है, कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन जब युद्ध का बात आया और अमात्य उदय विग्रह जितने भी शाक्या वंश के मंत्री थे, राजा के सदस्य थे, सब लोग मीटिंग करके क्या कर दिया, 20 साल से लेकर 50 साल तक के सभी शाक्याओं को जैसा फौजी में भर्ती नहीं होता है, वो राजा की फौज में भर्ती होना आप लड़ाई करने के लिए, वो कोलिए पानी के पीछे लड़ाई करने के लिए, ऐसा किया। तो इस मीटिंग पर, इस प्रस्ताव पर सिद्धार्थ ने उसका विरोध किया, उन्होंने बोला कि पानी बढ़ा है कि मनुष्य का खून बढ़ा है, पानी का समाधान कर सकते हैं, वहां से कुछ सदस्य का चुनाव करो, यहाँ से कुछ सदस्य का चुनाव करो, 5 सदस्य वहां का, 5 सदस्य यहाँ का, और एक मुखिया बनाओ और मीटिंग करके इसको रफा दफा करो आसानी से शांतिपूर्वक। लेकिन माना ही नहीं, फिर बल्कि जब युद्ध नहीं करने का वो किया, उन्होंने प्रस्ताव रखा सिद्धार्थ गौतम जी ने, तो उनको क्या किया कि यह जो है क्या कहते हैं शाक्याओं के विरोधी है, बोल के जैसा हम लोग यहाँ के क्या कहते हैं देशद्रोह बोलते हैं ना, उनको देशद्रोह बना दिया संघर्ष को समझ गया, देशद्रोह जैसा बोल के थे, इसको निकालना है बस,
फिर निकालना बोल के वो देश से निकालने का ऐसा किया। फिर बुद्ध कहते हैं कि देश से निकालो या ना निकालो आप लोग का मर्जी, जो मैंने फैसला किया है इंसानियत के नाते खून नहीं बहना चाहिए, पानी और खून में खून की कीमत अच्छा होता है, मैं तो चला जाऊंगा कोई बात नहीं, मुझे निकाल दो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आप लोग जो कर रहे हो लड़ाई झगड़ा वाला इससे दुखी होंगे आप, में सुख नहीं आएगा बोल के ऐसा कई बार कहा। सुनने वाला कोई नहीं, कोई सुनाई नहीं, सुनाई नहीं, तो उनको देश द्रोह के उस करके निकालने का कोशिश किया। तो फिर निकालने मैं स्वयं ही खुद निकल जाऊंगा, देशद्रोह मैं हूं नहीं, आप लोग गलत बोल रहे हो, मैं स्वयं ही जाए तो क्या होगा, आप खुद चले जाएगा तो ठीक है, लेकिन आप एक पल भी ना रह सकते होंगे ऐसा मीटिंग करके भगवान के साथ ये घटना घटा है। फिर वो राजमहल में वापिस आ गए, वापिस आकर के फिर वो परेशान भी थे ये थे, फिर वहां क्या एक घटना घटा, उस समय हमेशा अंदर थे जेल में बैठे की तरह, सुख सुविधा सब था है ना जी, देवियां थी, शराब शबाब सब कुछ था, मतलब राजमहल में सब कुछ, सोने के थाली में खाना खाना, चांदी की कप में चाय पीना, राजमहल तो राजमहल होता है ना, जलपो का पतंग है वहां बैठे होते। उन्होंने महाराज से कहा अब मेरे को तो इस मीटिंग से देश निकालने वाला भी है, उससे पहले मैं अपने नगर को तो देख लूं क्या है यहाँ का व्यवस्था इस नगर में ना, इस ये कपिल वस्तु नगर जो सेके डोंगशर जो है इसमें क्या है, आप इतना शांत शांत है समझ रहे हैं, है क्या चीज है मुझे देखना है बोल के पिता से आज्ञा दिया, आज्ञा पिता ने आज्ञा दे दिया, 3 दिन बाद आप घूमने जा सकते हो। उस दिन तो उसने कई प्रिपरेशन किया, बाहर तैयारियां किया, पूरा डोंगशर के उसके नगर के चारों ओर झंडा लगा दिया, पताका लगा दिया, साफ सुथरा किया, और वहां ऐलान किया कि रास्ते में कोई भी ऐसा दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि जिससे राजकुमार के मन में और भी उदासी हो। तो खूब तैयारियां किया, तैयारियां करके साफ सुथरा करके तैयारियां किया, फिर कहा आप निकल सकते हो। फिर एक 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 दिशा की ओर निकल गए बुद्ध अपने साथी चंदक के साथ, चंदक जो थे ना रथ में कंथक घोड़ा था, और चंदक के साथ एक एक तरफ से निकल गए। निकलने के बाद हुआ क्या जी, रास्ते में एक रोगी आ गया जी, डंडा लिया हुआ हाथ में, रोगी क्या है वृद्ध पुरुष, एक बुढ़ापा बुढ़ा व्यक्ति आ गया, आंखों की रोशनी नहीं है, दिखता ही नहीं है, एक लाठी लेके जा रहा है, माथे पर जुर्रियां पड़ा हुआ है ना जी, और शरीर में पूरा सफेद बाल निकला हुआ है, सिर में बाल है ही नहीं है कुछ ऐसा जैसा, मतलब एक बुढ़ापे को देखा, आंख की रोशनी नहीं है, सिर का बाल पका हुआ है, पूरा क्या कहते हैं चेहरा में पूरा जुर्रियां ही जुर्रियां है, अब इतना कष्ट से जा रहा है। फिर भगवान ने बोला चंदक रोको, रथ को रोको, ये क्या है, ये क्या, ये कौन है, कौन व्यक्ति है, ये क्या है। फिर राजा ने बता के रखा था चंदक को उल्टा सीधा मत बताना, राजकुमार को जो है गुमराह करके जो है कुछ फंसाने के चक्कर में, अब वहां झूठ नहीं बोल सकता था सीता के पास। उन्होंने कहा राजकुमार ये व्यक्ति बूढ़े हो चुका है, ये भी आपके तरह जवान था, तो दिल ढलते गया, दिन ढलते गया, और फिर ये बुढ़ापे की ओर जा रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, मेरे साथ भी ये गति होगा, तो कहा हाँ जी आप जिएंगे तो आप भी बूढ़े होंगे, आपका भी सिर पकेगा, आपके चेहरे में भी झुर्री आ जाएगा, आपके आंख की भी रोशनी चली जाएगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगा, चमड़ा सूख जाएगा। फिर ऐसा कर क्या मेरे यशोधरा का भी यही हाल होगा, हाँ जी जो इंसान इसमें जन्म लेता है अगर जीता है तो बूढ़ा होकर ही मरना है, उसको बूढ़ा हो नहीं होना है। यहाँ बुद्ध के मन में आ गया ठेस पहुंच गया जी, क्या है ये संसार, है क्या चीज है, मैं अभी राजकुमार हूं बाद में मुझे बूढ़ा होना है, यही स्थिति मुझ में आएगा, अगर इसको आसक्त करके मैं इसमें जाऊंगा तो मैं दुख से कैसे दूर रख सकता हूँ, ये तो गड़बड़ है, चल वापिस चल वापिस, नहीं जाना मुझे आगे। वापिस आ गए, उस बुढ़ापे का वो गावा गावे धुंगल बोलता है ना, गावे धुंगल, बुढ़ापा होने का दुख को विचार करते हुए सारी रात नींद नहीं आती है, उन्हें ध्यान करते रहा कि ये संसार सब बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन सबकी आंख की रोशनी चली जाएगी, सबका सिर सफेद हो जाएगा, सबके चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएगी, सब झुक जाएगा, क्या ऐसा है बोलते बड़ा विचार किया। फिर कल भी जाना था, चंदन बुलाए, हाँ राजकुमार आज भी मुझे घूमने जाना है, दूसरे दरवाजे से बाहर गए, कुछ देर तक बड़ा सुंदर था, जा रहे थे आनंद होकर के, आगे जाके एक रोगी आदमी आ गया जी, रोगी पेट को पकड़ करके, पेट में दर्द हो गया उसका, इतना रोगी से चिल्ला रहा था, ए भाई मैं मर गया, हे रे माई हे रे बाप मैं मर रहा हूँ मुझे ये। फिर चंदक से पूछा ये क्या हो रहा है, ये काल देख ये इसको क्या हो गया, फिर आज इसके ये इसका तो दूसरा स्थिति है, इसको हुआ क्या है। फिर वो बीमारी के बारे में बताया कि
आदमी का शरीर जो है बताया है मांस हाड़ और जुआ जी है ना जी, जल अग्नि वायु और आकाश तत्व पृथ्वी इससे बना हुआ है। जब ये डगमगा जाता है तो रोग आ जाता है, अनेक प्रकार के रोग हैं इसका, किसी का पेट दर्द होता है, किसी का सिर दर्द होता है, किसी का नंगशा अंदर खलमा में दर्द होता है ना जी, गुर्दा में दर्द होता है, ये जो है बीमारी से कर रहा है। क्या हर कोई व्यक्ति बीमार होगा? बीमार होना तो विश्व का विधान है, इंसान होने के नाते बीमार हो जाता है, ये जानते थे बुद्ध, लेकिन हम लोग को शिक्षा देने के लिए ऐसा है, समझ गया ना, इसको समझना चाहिए। हम लोग यहाँ भी दिखा रहे होता है गवा का नामे तुम्हें है ना, गवा बोल दिया ना बूढ़े होने का दुख, अब ये बीमार है, फिर वहां से चल मैं जाना है नहीं बैठना। फिर ऐसा करके उसके ऊपर चिंतन किया, फिर उनको उन्होंने चिंतन किया, यहाँ पर बुढ़ापा होना है, यहाँ पर बीमारी होना है। कोई ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो कभी बूढ़ा होता ही नहीं हो, बीमार होता ही नहीं हो, ऐसा है? पूछा चंदक से। नहीं भगवान, नहीं राजकुमार, ऐसा तो कोई नहीं है। मनुष्य का जन्म लेने के बाद अगर लंबा समय तक जिए तो बूढ़ा हो नहीं है, बीमारी तो छोटे मोटे सबको आता ही है, बीमार होकर ही लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं ऐसा। फिर तीसरे दिन गए जी, तीसरे दिन गए तो फिर तो बड़ा ही अनहोनी दृश्य देखा, कुछ लोग कंधे पर लेकर के कुछ ले जा रहे, क्या ले जा रहे हैं, क्या डोली ले जा रहे हैं, क्या कोई देवता जा रहे हैं, क्या है ये? पूछा चंदक से। नहीं महाराज, ये एक व्यक्ति है, इसका मृत्यु हो चुका है, ये जड़ हो चुका है, इसके शरीर से प्राण छूट चुका है, प्राण ही नहीं, ये मर चुका है, जड़ हो चुका है, इंसानियत इसके अंदर खत्म है। क्या सभी मरते हैं? सभी मरना है, इसीलिए तो कहते हैं सच्चाई क्या है इस दुनिया में, जन्म होने का मतलब क्या है बताए, विचार करो, जन्म होने के बाद क्या है? मरना है, यह सच है, जन्म होने के बाद मरना है, ये सच है। इसीलिए तो कहता है ना शिव केले थमाने छी बोलता है, छी मतलब शिवा मिथापा शिवा, जन्म होने के बाद मरना ये सत्य है, इसको बुद्ध ने जाना था। हम भी जानते हैं लेकिन मोटा मोटा इसे जानते हैं, हमारे घर में कोई गुजर जाते हैं मर जाते हैं, दो तीन दिन कर्म कांड वगैरह करके कर उससे सब कुछ हो गया समझ के बैठते हैं, लेकिन खुद मरना है भूल जाते हैं हम लोग, फिर वही उल्टा सीधा काम करते हैं, समझ गए ना, यहाँ गलती हो जाता है। सत्य को हम लोग नहीं मानते, सत्य को हम लोग नहीं जानते, इसीलिए तो कहा ना अब यहाँ पर हम लोग डेढ़ घंटा बैठने हैं, डेढ़ घंटा बैठने में भी समय नहीं है, ये है वो है कहने में, तो ये तो एक लज्जा की बात है ना, शर्मिंदगी है। मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला, पूरा जन्म में पुण्य किया होगा, मनुष्य का जीवन मिला, दो तीन घंटा धर्म का श्रवण करने में क्या दिक्कत है? ये जो धर्म का श्रवण कर रहे हो, दिस इज मेडिसिन टू टू कम आउट फ्रॉम द स्टेट ऑफ सफरिंग, वो मेडिसिन भगवान ने दिया था, वो दवाई जो आपको जरा मरण के दुख से हटा करके मोक्ष की और सदगति देते हैं, ये मेडिसिन सबसे बड़ा मेडिसिन। हम लोग जो डॉक्टरों के साथ मेडिसिन लेते हैं ना, दवा ववा लेते हैं ना, वो दवा क्या है? वो तो हमारे शरीर को बैलेंस बनाने का दवा है। क्या कोई टीवी का पेशेंट है तो टीवी का दवाई खाने से कभी भी उसको टीवी ना आए, ऐसा है कि नहीं? आपको सिर दर्द हुआ, जाके एनासिन लिया, क्रोसिन लिया, खा लिया, तो खाने के बाद कभी भी आपका सिर दर्द ना हो, ऐसा होता है? वो तो दवा देता है कुछ दिन के लिए, वो दोबारा आना है क्योंकि हमारा शरीर ही दुख का समूह है भाइयों, समझ गया ना, जन्म लेने के बाद मरना ही है, यही ये दिखा रहे हैं। जब उन्होंने उस शब्द को देखा कि गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उनके ले जा रहे थे शमशान में, ये चार आदमी उठा के क्या ले जा रहे हैं? महाराज ये तो लाश है, ये भी हमारे तरह इंसान थे, अब इसके शरीर से प्राण निकल गया है, ये पत्थर लकड़ी की तरह है, अब ये मर चुका है, क्या वो दोबारा प्राण वापिस आएगा इसी शरीर में? नहीं, इसको जला देना पड़ता है, नहीं तो दो तीन घंटे के बाद सड़ जाएगा, बदबू हो जाएगा, इसका वैल्यू खत्म हो गया। तो क्या मैं भी ऐसा होऊंगा? महाराज आप भी ऐसा होंगे, आपके महाराज सिद्धोदंत भी ऐसे होंगे, माया देवी आपके माता जी आप पहचान ही नहीं रहोगे, सात दिन बाद उनका मृत्यु होगा, इसी गति में चले गए तो उनका मन जो है एकदम गंजू, उनको यहाँ से सत्य का और भी अनुभव हुआ, ये सत्य है ना जी, है ना जी, बुढ़ापा होना सत्य है, बीमारी होना सत्य है, मरना सत्य है ना जी। जो हम लोग रुपया पैसा कमा करके बैंक में जमा करके हम लोग बहुत अमीर है सोचते है ना, हम लोग बहुत अमीर है सोचते है ना, वो असत्य है, जानो इसको। अगर अमीरी बन करके वो अमीरीपन हमेशा रहता है तो सत्य होता है, लेकिन कई अमीरों को
ग्रीफ होते हुए देखा आपने, आपके गांव में होगा, आपके परिवार में होगा, आप सभी को अनुभव होगा। समझ गया ना, यह तो बड़ा विचित्र है संसार, माया है, यह सपना की तरह है। इसीलिए तो यही दृश्य भगवान बुद्ध जब केवल 28 वर्ष के थे यह घटना उन्होंने देखा है, हम लोग को यह दिखा रहे हैं। तो उसके बाद होता क्या है, वो परेशान होकर के महल में जाते हैं, महल में जाके सोचते हैं, इसके ऊपर मंथन करते हैं। मंथन दो तरह का होता है, एक होता है इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली हम लोग जो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो सब इंटेलेक्चुअल ज्ञान है, बुद्धि के स्तर पर है, क्योंकि मार्क्स चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए, पोजीशन चाहिए, नौकरी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। वो जो है इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि के स्तर पर है, इसमें हमारे दिमाग है ना, लतबा है ना अंदर मस्तिष्क, उसमें जमा करके उसको फिर बाहर निकल करके कागज में जाके आगे जाके उसके ऊपर मार्क्स आना, पोजीशन करना, ये संसारिक पोजीशन अपने आप में ही दुख का पोजीशन है। इसीलिए तो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर जो भी हो, बहुत बड़ा पोस्ट पर होता है, कहीं गलत फलत हो जाता है, उसको नीचे डाउन लाया जाता है, कितना दुखी होता होगा। और आप लोग में कई लोग नौकरी करने वाले हैं, आप बड़े बड़े पोस्ट पर हो सकते हैं, आप में कोई जब आप लोग जब नौकरी में होते तो आपके साथ अंग रक्षक होते हैं, बहुत कुछ सब होते हैं, असिस्टेंट होता है, पीएन होता है, धमकी मारते हैं, टेबल को गुस्से से तोंस मारते हैं, यह वो है, ये वो ला, एक जब रिटायर होते तो आपको क्या हाल होता होगा जी, वो कहाँ गया, वो तोंस डांसर हट गया ना, यह संसार का नियम है, समझ गया ना, इसी को जानना है हम लोग। फिर भगवान बुद्ध राजा के पुत्र होते हुए राज महल में बैठना ही नहीं चाहते हैं, क्या दिक्कत है उनको, क्योंकि वो सब असत्य है, वो प्रपंच है, माया है। इसीलिए तो मिलम लोकम तिंता वो द्विजी चुनम देता, सब सपना की तरह है, बिजली की चमक की तरह है, पानी की बुलबुली की तरह है, घास के ऊपर औस बिंदु की तरह है, और गरजते हुए बिजली की तरह है। कुछ भी इस दुनिया में हकीकत नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य है तो क्या है, सत्य है तो बुद्धत्व, जिसे मोक्ष कहते हैं, शुद्ध चेतन कहते हैं, पवित्र आत्मा भी कह सकते हो, हालांकि बुद्धिस्ट में आत्मा को नहीं मान जाता है, तो वही शुद्ध चेतन। उस शुद्ध चेतन को पहचानने का ये सभी रास्ता है, हम लोग जो सीखते हैं छठ का लंगड़ा है, यह छठ का रास्ता जो है भगवान बुद्ध के नमथर के ऊपर अभी हम लोग सीख रहे हैं, समझ गया ना, भगवान बुद्ध की अपन नमथर। उसके बाद हुआ क्या, सिद्धार्थ राजकुमार राजमहल में जाते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, बुढ़ापा होना है, रोटी होना है, सिर्फ उतना ही नहीं है, ये शरीर ये मेरा ही नहीं है, इसको छोड़ के जाना है, ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो है क्या है, मेरे पिता मेरा नहीं है, मेरी यशोधरा मेरी नहीं, मेरे पुत्र मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर ही है मेरा नहीं, तो क्या है ये, है क्या चीज है ये दुनिया में, सत्य क्या चीज है, इस तरह की भावना आ जाती है, तो रात में सो जाते हैं गहरी नींद में। कई लोग कहते हैं उन्होंने साक्षात देखा, और कई लोग कहते हैं सपना में, जब गहरी नींद में सो गए तो उनका एक दिव्य चक्षु, क्योंकि जंगचुक सिंबा थे ना, साचू साचू थर छिन थर, जंगचुक सिंबा का साचू पार कर चुके हैं, अब ये तो बुद्ध का लीला दिखा रहे थे ना, तो उन्होंने उनके सपना में एक दिव्य पुरुष आ गया जी, साधु 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 जैसा आ गए, सज्जन एक गिलोंग जैसा आ गए। साधु का मतलब कोई हिंदू साधु या मुस्लिम साधु, साधु मत समझे, भगवान बुद्ध भी महासाधु थे। साधु का मतलब है सबसे अच्छा, जिसका चरित्र शीशे की तरह चमक वाला हो, और उसकी वाणी में मधुरता हो, जिसके चित्त में पवित्रता हो, जिसका शरीर का क्रियाकलाप सब पुण्य से जुड़ा हुआ है, उसका उसी को साधु कहते हैं, यही साधु का परिभाषा है। साधु का मतलब यह नहीं कि हिंदू वाले साधु बोलते हैं, हम लोग साधु नहीं बोलते, ऐसा नहीं है, ये हमारी मानसिक वो है, निमित्तता है, मानसिक लिमिट, लिमिटेड मानसिकता है, समझ गया ना, सीमित मन में हम लोग ऐसा सोच के रहते हैं। तो उन्होंने एक गेलोंग का दर्शन किया, उस गेलोंग को देखा तो बड़ा ही शालीन एकदम तप करके बैठे हैं, इतना सज्जन था, इतना तेज उनके उनके क्या कहते हैं चेहरे पर तेज, मन में इतना पवित्रता देखते ही बन जाता है। उनसे पूछा, आप कौन है बनते बनते, मतलब बुद्धिस्ट भाषा में साधुओं को बनते कहते हैं, चुम्पा चुम्पा बोलते हैं जो तुम्बा कहते हैं, आप कौन है। तो उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा हूँ, एक धर्मात्मा हूँ, क्या कहते हैं बनते हूँ, और मैंने इस संसार को देखा, कहीं भी सुख नाम की चीज है ही नहीं है, मैं दुख से ग्रसित हो गया हूँ, मुझे सत्य का मार्ग खोजना है, इसलिए मैं गौम करके न्यामलेन करके चिंतन मनन करके सच क्या है, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हमेशा परिवर्तन नहीं होता हो, बदलता नहीं होता, हमेशा बना रहता हो, ऐसा कोई है, कोई मुक्ति का क्या कहते हैं मंच है,
संगीत का गोपंग है क्या, उसी का मैं खोज कर रहा हूं। क्या दुख से निकलने का रास्ता है और निकलने के बाद कहां पहुंचते क्या है, उसी के चिंतन मनन में मैं डूबा हूं, तो वही कर रहा हूं। वहां से बुद्ध को प्रेरणा मिला हुआ है, इस दृश्य से उनको फिर वहां से लज्जा मिल गया, शिक्षा मिल गया, मुझे भी गृह त्याग करना है, मुझको भी घर बार छोड़ के जाना है सत्य की खोज में। यहां से संघर्ष ने धमजा किया था, मुझे भी घर बार छोड़ के गृहस्थ करने जाना है। तो यहाँ तावा में कहां पहुंच गया, देखिए तशील उम्मीद संतु संदा जैसिंग तो संशोध में ब्रगे सुनो तो दिन में इसेंगे दे अंगा मंगा तो रुचि सुन जैसे वो डिब्बा चलने सजने ढंडा में ब्रश जला चल दम जितन छुटन तो ब्रश खाना मतो पंसु जो खोरतन तो जितन लगे भाई जैसे चौमरा जला चल चलो। ये अभी तक मैंने बताया, इसको अर्थ बताएगा तो देखिए सुनो तो दिन में इसेंगे दे जो सुनो जो कुमार अवस्था में जो बुद्ध थे ना, इसको मैं इस तावा में डाल देता हूँ, अर्थ मैंने बता दिया। सुनो मतलब जब राजकुमार कुमार के रूप में थे सितार में, बहुत बलशाली थे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्या कहते हैं स्वच्छ दिल वाले थे। सुनो तो दे मी संगे थे, वो मनुष्यों का सिंह था, मनुष्य में शेर की तरह चलते थे। मनुष्य का सिंह मतलब मनुष्य में सबसे हिम्मत वाले और सबसे पवित्र दिल वाले और पवित्र मन वाले संगे चंद्रे, इसलिए शाचा संगे भी बोलते हैं ना संगे को। फिर ये हम बोलते सुनो तो दे मी संगे थे अंगा मगा तरु जुसल दे। उस समय दो राज्य होता था अगधा और मगधा, मगधा दुर्योधन के आसपास, अगधा कहीं कपिल वस्तु के आसपास इधरों में, वहां के राजकुमारों के साथ उन्होंने वो किया बोलता है क्या किया, वो जुसल देन मुकाबला किया कि शस्त्र चलाने में विद्या में क्या में बहुत खाइबा थे ना संगीत बताया ना, उसमें जुसल देन उसमें मुकाबला किया, कंपटीशन किया, जैसा टूर्नामेंट में खेल कर कंपटीशन करके जीता बोल के शील्ड नहीं लेते हैं, ऐसा वैसा करके वहां भी ज्योतिष में वेद में योग में सब में कंपटीशन किया, सब में सबसे आगे निकल गए थे बोल रहे हैं बुद्ध है ना। मंगल जुसल चे वो डिपा चंद्र जितना भी उनके प्रतिपक्ष थे पढ़ाई में उनके साथ शास्त्र के सबको हरा दिया बोलते हैं उन्होंने। चे वो डिपा चंद्र सर चंदे ठेंडा में पर इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ का हाव भाव था बोल रहे हैं था ना, ये हाव भाव था ये बोल रहे हैं। जितेन छुदंग थुम्रा जावा दंग खाना मथो पंचिर चुमोई, इसलिए जगत के जितेन छुदंग थुम्रा जावा दंग मतलब इस जगत के व्यवहार से जुड़ करके उस लीला को दिखाने के लिए, क्योंकि वहां मैं बड़ा हूं तू छोटा है नहीं बोल सकता ना, जैसा जैसा मनुष्य का हाव भाव है जैसा वातावरण है वैसा ही संघर्ष बन के रहते थे ताकि लोगों को समझ में आए। चिकन छुटन खाना माथो पंक्चर चुमोई, खाना माथो खाना मतलब मतलब पाप के कार्य को जहां तक हो सके छोड़ करके लोगों के साथ प्रेम भावना रखते थे। खाना माथो मतलब उसको पाप को बोलते हैं, खाना माथो पंक्चर उसको छोड़ने के लिए, खाना माथो पंक्चर चुमोई खोरदान धोजे था लखे पा चुम्बो मतलब यशोदा के साथ शादी किया बोला था ना वो यहाँ आ रहा है देखिए ये यहाँ चुम्बोई खोरदान धोजे खोरदान धेजे था। अब जब यशोदरा से शादी किया राहुल का जन्म हुआ उस समय तो राजमहल में बड़ा हाव भाव चल रहा था अच्छा चल रहा था ना, इस तरह से उनका लीला हुआ इसलिए बोलते हैं खोरदान धेजे थबला खेपाई जासी चुमरा, इस तरह से उन्होंने राजपाट का कार्य भी संभाला बोलते हैं। वैसे 16 साल की उम्र में शादी किया ना, 16 साल से 28 साल की उम्र तक भगवान बुद्ध ने अपने प्रजाओं के साथ बड़ा व्यवहार अच्छा किया, उनके साथ निंजे जम्बा सबके सुख के लिए उन्होंने मलम लगाया प्रार्थना किया और लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया, खाना नहीं होने वाले को खाना कपड़े नहीं बहुत अच्छा उन्होंने वो किया ना, इसलिए ग्यालसे चुंगरा जला चा चलो संगे चंदे ने ग्यालसे चुंगसी किया बोलता है, राजपाट को चलाया हालांकि शुद्धोदन ने उनको राजपाट का भार नहीं दिया फिर भी राजकुमार होने के नाते लोगों के साथ उन्होंने अच्छा संपर्क रखा समय झांसी चुंगरा जलो खोरवे जावा निबो मेजे ने छिन्ने जुंते खाला छिन्ने जंग छोटे नंदा तुम तो निरखे रतु सुमरा जिला चंचल। इस बीच में जो पहले का स्टोरी बताया ना इसमें व्याख्या के तौर पर मैंने बताया आपको समझ गया ना जी, ये इसमें तो दर्दी दर्दी है ना उसको मैं खोल करके मैं आपको बता रहा हूँ है क्या चीज है अंदर सब खोल के बताया ना अभी मैंने इसको, ये गांड बांधा जैसा है और एक थकवा है उसको ऐसा बांध के रखा है तो बहुत लंबा है देखने में छोटा लगता है खोलेगा तो वो ये तो 100 मीटर है यार, इसी तरह यहाँ पूरा गांड बांध के रखे हुए ना संगेस के नंबर को इसको खोलना पड़ता है तो खोल करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कहते हैं खोरदान देते तलक है भाई जैसे चुमरान जिला चंचलो खोरवे जावा मै सिंह ने, ये देखिए खोरवे जावा निम्बो मै सिंह ने उन्होंने देखा कि क्या संसार में कुछ भी नहीं है, रोगी को देखा बुढ़ापे को देखा मरा हुआ लाश को देखा, खोरवा का निम्बो नहीं है बोलते हैं खोरवा के अंदर जो है दम नहीं है बोलते हैं
और वह हमेशा देखता सुखी जैसा बोलता है, हे कारण दुखी है बोलता है, समझ गया ना। वास्तव में सूक्ष्म से देखा जाए तो उसमें दुख ही है, सुख नाम की चीज कोई नहीं है बोल के निंगो मत खोरवाला, उसमें सार नहीं है जो सुखी देने वाला हो वास्तव में। ऊपरी ऊपरी से लगता है, अमीर लोग आनंद जैसा लगता है, गरीब लोग थोड़ा दुख जैसा लगता है, बहुत ही सूक्ष्म में देखे तो अमीर जो दिखते है ना वो ज्यादा ही दुखी होता है, समझ गया ना, आप लोग जज लेना है ऐसा होता है। तो कहते हैं कि खोरवे जावा निंगो मैच देने, इस संसार को निस्सार रूप में देख करके, सार रूप में कुछ नहीं है, सुख है नहीं है, सूक्ष्मता देखे तो सुखी नाम की चीज होने में सिंह छिन्ने झुमके खाला छिन्ने चांगी से। अब यहाँ से अपने राजपाट को छोड़ करके चले गए है बोलते हैं। अब चलने कैसे चले गए आप मेरे को बताना, यहाँ तक सवा चला गया ना। अब दूसरा ये गंगे कंगी में जाएगा तो कल मैं चुमने लाए लाला चक्सा लो बोला था ना। अब यहाँ से नीचे जय कंगो मामा जय जी चो, जब वो राज महल में बैठे थे तो वहां पर उनके कई सेविकाएं आए, कोई दासियां, इतना भरपूर राजमहल में ठाट से रहे बोल रहे हैं। मामा मतलब आठ और चार चार स्त्रियों की एक के हमेशा गिरे रहते थे बोलते हैं राजकुमार सिद्धार्थ, ये जी छोर छोपा बुल चुकिया उनका सेवा करते थे बोलते हैं। शाकी डोंदु जनू रोचक जे शाकी डोंदु कपिल वस्तु के नगर में अनेकों राजकुमारों के साथ उन्होंने क्या मुकाबला किया, चाहे योग दर्शन के, ज्योतिष दर्शन के, चाहे बाहर के शारीरिक व्यायाम योग के बारे में उन्होंने काफी कंपटीशन किया, मुकाबला किया, उसने सब वो जीत गया। जुसल सचे डोंदु जनू रोचक जे और जनु कुमार के रूप में वो एकदम विस्तृत और सुशोभित हुए। सेरचे नेसु समसों खातु जे मतलब सेरचे नेसु कपिल वस्तु में यशोधरा जी को अपना पत्नी के रूप में लिवा के लाए, कहां से देवदा के धनपानी महाराज के महाराज या सेठ हो उनकी पुत्री में समसो खप, समसो ये जो है भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा, खप तुषे मतलब अपने राजमहल में ले आए बोलते हैं, समसो खप तुषे सिसुम सुमे बोला चांसा लोग बोलते हैं, भगवान बुद्ध आपके लीला जो है सिपा सुन में चुम्बा में पाए बोलता है, चाहे चाहे देवलोक में देखो, पतालोक में देखो, मनुष्य लोक में देखो, अतुलनीय है बोलते हैं आपका लीला इस तरह है, इसलिए मैं इस अतुलनीय लीला को क्या करता हूँ नमस्कार करता हूँ। सिसुम सुमे बोला चांसा लो बोल रहे हैं, सिसुम सुमे बोला चांसा लो। अब देखिए ये मैंने बताया डोंगचर गोरजी चौबे सुल्तान ने, यहां तक बताया मैंने डोंगचर गोरजी है ना, अब कपिल वस्तु का डोंगचर है, उसके चारों दिशाओं में वो गए थे ना, कहीं रोगी देख रहे हैं, कहीं बुढ़ापे को देख रहे हैं, कहीं शब को देखा, एक वाला कहीं पर सपना में देखे बोल रहे हैं, कहीं कहीं पर चौथा दरवाजा से जब निकले थे तो उस समय उस साधु का दर्शन नहीं बताते, जो भी है उस साधु के दर्शन से उनके मन में जो है रक्त जुआ, घर को छोड़ करके सत्य की खोज में निकलने का वो भावना पैदा हुआ बोलते हैं। ये टोंगचर गोरजी, टोंगचर मतलब नगर, गोरजी मतलब चार दरवाजा, टोंगचर गोरजी क्यों वे सुनते हैं, वहां जब वो गए थे तो वहां पर उनको यंजुंग का संपा कैसे हो गया, यंजुंग मतलब संसार में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है करके उनके मन में विचार आ गया, यंजुंग आ गया चौबे सुल्तान ने। फिर यहां तक मैंने आपको बताया ना, उसके बाद चौबे सुल्तान ने, अब देखिए अब यहाँ चौबे सुल्तान ने छोटे नंगा धुंधु उठा सिल, अब ये बताना है इसका व्याख्या। उसके बाद छोटे नंगा धुंधु उठा सिल कंसे कंगी चौबे में आता है और दूसरे में खोरवे जवा निबो मजे ने छिन्ने झुमते खाला शेख ने चंग छुटे नंदा तुंदु नीले नी, दोनों जगह नंदा टूंगा रहा ना, छुटे नंदा तुंदु नीले नी। अब हुआ कैसे, घर में आ गए वो, अब वहाँ घर में आ गए, सब कुछ देखा दुख है, फिर उन्होंने सोचा कि देखिए, उन्होंने सोचा सिद्धार्थ के मन में आया कि जो बाल्य अवस्था है, मैं अभी बचपन था, छोटा सा बच्चा था, इतना नरम था, इतना फूल की कली की तरह था मैं, अभी मैं 28 वर्ष का होने के आ रहा हूँ, मेरे हड्डी पहले से सख्त हो गया, मेरे चमड़ा पहले से सिकुड़ गया, केवल 28 साल का रहा हूँ, मेरे आंखों में भी कुछ फर्क आ रहा है, कुछ मन में भी बारी बारी सा आ रहा है, मतलब आदमी जन्म लेने के बाद जैसे माँ के कोख से बाहर निकल आता है तब से मरना शुरू हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है, जैसे अम्मा के कोख से बाहर आ गया ना, एक सेकंड मर गया, दो सेकंड मर गया, पांच मिनट मर गया, एक दिन मर गया, वैसे हम हमेशा मर रहे हैं, समझ गया ना, कहने में अजीब लगता है लेकिन हमेशा मर रहे हैं हम लोग, और कभी भी नहीं मरूंगा सोच के बैठना बहुत बड़ा गलत फहमी है, यहीं पर छस खत्म हो जाता है, कभी भी नहीं मरूंगा, आप लोग सोच रहे हैं मरूंगा सोचते हो तो यही कहते हैं भगवान लोग विचार कर रहे, अभी घर नहीं छोड़ा है, छोड़ने वाले हैं, तो उस समय उनके विचार में आया कि मैं बाल्य अवस्था में फूल की कली की तरह था, अब मैं खिला हुआ हूँ, पंखुड़ियां बहुत सुंदर है, ये पंखुड़ियां कब गिर जाए पता नहीं,
फूल होता है ना, पहले फूल निकलते समय कितना सुंदर लगता है, फिर फूल जाता है, पूरा फूला होता है, कितना अच्छा लगता है। आज सुबह आपने फूल को देख लिया, शाम को देखा पंखुड़ी सब गिरा हुआ, छोटा सा एक सूखा वाला जड़। इसी तरह हमारा जिंदगी बोलते उनके विचार में आ गया, मतलब बाल्यकाल से जो है, बचपना से जो है, अब बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं बोलते उन्होंने विचार किया। और उसी तरह उन्होंने अपने राजमहल के सभी सामानों को देखा, जिसे बहुत रखा होता है ना, लोटा भोटा सोना चांदी क्या सबको देखा, कोई घिसा हुआ है, कोई काला हुआ है, कोई टूटा हुआ है, सब पहले तो ऐसा नहीं था। इनमें भी परिवर्तन है, उन्होंने यहाँ से ज्ञान किया, बाहर देखा, पहले इस पेड़ में तो बहुत फूल था, पत्तियां थी, फल थे, अब सब पतझड़ आ गया। जब उन्होंने क्या देखा कि बगीचा में बाहर को आते देखा और पतझड़ को आते देखा, बाहर आना अच्छी बात है, पतझड़ आना तो बुरी बात है ना। उसी तरह हमारी जिंदगी में बाहर भी आ जाती है तो पतझड़ आना निश्चित है, इसीलिए डंबा नहीं है, सब निडंबा है, डंबा समझ गए ना। बाहर कब आ जाता है, जब आपके घर में सुख संपत्ति व्यवस्था बाहर आ जाता है, आप आनंद हो जाते हैं, सब कुछ है, और इतना पागल हो जाते हैं कि आपको यही पता नहीं कि ये छूट सकता है, ये गिर सकता है, टूट सकता है, जिंदगी टूट सकता है, धन खत्म हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकता है, घर में कोई अनहोनी घटना कर सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, ऐसा हम लोग सोचते नहीं। जब हम लोग खुशी खुशी पे होते थे, अचानक घट जाता तो कितना दुखी हो जाते हैं, अगर पहले से हमारे समझ में हो तो उतना दुखी नहीं होता। उस प्रेतात्मा जो गुजरे हैं, जो मरे, उस आत्मा को अच्छा मलम लगाता, अच्छा मोवा लगाता, शुद्ध मन से, असली मन से अच्छा बन जाता है वो, लेकिन करते नहीं हम लोग, समझ गए ना। तो उन्होंने ये देखा, फिर उत्पत्ति से विनाश, हर कुछ उत्पत्ति होती है, पैदा होती है, पैदा होने का मतलब ही विनाश होना है, ये सत्य है। बुद्ध ने अभी विचार कर रहे हैं, घर छोड़ा नहीं, पहले इतना विचार शुरू है, समझ गया ना। पैदा होने पर उत्पत्ति होने का अर्थ है विनाश, और वन और उद्यान में बाहर और पतझड़ आती है, फूल खिलकर मुरझा जाता है, शिशु युवा होते होते बुढ़ा हो जाता है। मैं भी बालक था, मैं भी छोटा था, बुढ़ा हो गया हूँ, कभी शीशे में देखता हूँ सफेद बाल नजर आता है, अच्छे हेयर स्कूल सब काट ही देता है कि सफेद तो ना दिखे, लेकिन हम लोग तो लामा है तो काटना ही पड़ता है ना। आजकल है ना, आजकल फैशन है, आदमी मरना नहीं चाहता है, अपना असलियत को छुपाता है, लगा दिया मेहंदी ऊपर सफेद बाल के ऊपर, खूब मेहंदी लगा दिया, हाँ मैं मेहंदी लगा रहा हूँ, ज्यादा ही सफेद हो गया, गलती किसने किया, हमने किया, जो कुदरत का है उसको वैसा ही रहने दो, उसमें ज्यादा सुंदरता है, उसमें मजा भी आता है, ये तो स्वाभाविक है सुंदरता है। चेहरा में यहाँ कुछ दाग होता है, कुछ केमिकल लगा देगा उसको साफ करें, क्या वो दाग इतना बड़ा बन जाता है किसी को, पहले साफ फिर क्या क्या पता नहीं, अनाप शनाप फेर एंड लवली पता नहीं क्या क्या, और अनाप शनाप क्रीम लग जाता है, फिर क्या 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 साबुन है, क्या क्या भगवान जाने आप लग जाए ना। तो हम लोग सच्चाई को छुपाने में लगे रहते हैं। शरीर को साफ रखना बहुत अच्छी बात है, अस्तर अच्छा वस्त्र पहनना अच्छी बात है, लेकिन जो अननेसेसरी ज्यादा हम लोग करते हैं ना, वो तो अपने ऊपर ड्रामा है, पैसे पैसे का खर्च, शरीर शरीर को ज्यादा ही केमिकल से दूषित कर देना, यह होता है। फूल खिलकर मुरझा जाता है, याद रखो मुरझाता है, आपका पास बगीचा होगा ना, फूल खिल कितना सुंदर लगता है, फूल खिल हमेशा बना रहे ऐसा सोचते है ना, वो इतना सुंदर फूल हमेशा बना रहेगा नहीं है, ऐसे ही अपने आप को सोचो, आपके पास रुपया होगा, पैसा होगा, बिल्डिंग होगा, बंगला होगा, आपकी बहू अच्छी हो सकती है, आपकी बेटी पुत्री नाना नानी दादी दादू सब अच्छे हो सकते हैं, और अच्छा हो है समझ के कुछ कुछ दिन बाद मेरा परिवार में हमेशा सुख शांति हो, कभी भी अनहोनी ना हो, ऐसा सोचते हो ना। अनहोनी तो हो रही है, अनहोनी का सबसे बड़ा अनहोनी क्या है, मृत्यु को प्राप्त करना है। कोई ऐसा मनुष्य है कि जो कभी मृत्यु हुआ ही नहीं किसी मनुष्य का, ऐसा है कई मनुष्य? अरे यार भगवान बुद्ध संचो टुंदु गोम्बा नंगे, भगवान बुद्ध ने अपने शरीर छोड़ा, भगवान को शरीर छोड़ना पड़ता हो, हम आप कौन होते हैं ऐसा सोचने वाले, वो सरासर हम लोग सत्य का विरोध कर रहे हैं। उस विरोधी के कारण ही हमारे मन में गलत विचार आ जाता है, उस गलत विचार को जब हम अपने शरीर पर लाते हैं, वाणी पर लाते हैं, तो वही पाप का कारण होता है, क्योंकि सत्य के उल्टा दिशा में चलते हैं, है ना। आप लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, दीदी हैं, सब है ना, सब लोग सोचते हैं और भी कुछ है, बाकी तो सब ठीक है, एक होगा तो और अच्छा था जी गुरु जी, अब लामा जी के पास जाएंगे छोस क्या होता है जी, और कभी नहीं पूछेंगे, जरा मोह लगाइए ना, हमारा वहां छोंग करने गया है पति देव जी, वो छोंग में लंबी है कि नहीं है, मोह लगाने गया,
अब लामा जी सही है कि गलत है पता नहीं, ये जपतन करो वो जपतन करो, फिर पूजा पाठ करेगा आपका कल्याण होगा नहीं पता नहीं, लामा जी लोग लेकिन खूब घुमाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक ऐसा ऐसा होता है ना, मोह लगाना, ये मोह लगाना, कर्म कांड करना, ये सब हुंदा हुंदा के लिए, हुंदा हुंदा के लिए। ये भी जैसा हम लोग हॉस्पिटल में जाके दवाई खाते हैं ना, ठीक उसी तरह आपको सिर दर्द हुआ, भागा भागा गया फार्मेसी में, क्रोसिन क्या होता है, क्या क्या दवाई होता है, खा लिया, सिर दर्द ठीक हो गया जी। वैसे ही आपके घर में कुछ रात को जी बड़ा पता नहीं भूत प्रेत हो सकता है, दरवाजा को खटखटाया, कुछ बदबू आ रहा है, कुछ किसी ने काला धागा का कुछ रखा है, या लामा जी के पास गया, उन्होंने बोला ये निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा, आ गया लामा जी निकाला ठीक हो गया। अब ठीक हो गया क्या हमेशा के लिए ठीक होता है यार, बताओ? वो तो फिर दोबारा वो किया तो था लामा जी, पता नहीं वो कैसा लामा जी लोग थे, उल्टा पाप कमा रहे हो, लामा को भी बदनाम कर दिया, खुद के वास कर दिया। उससे सबसे अच्छी बात तो ये है यार, अपने मन को जानो, संगे चंदन देश का जो छोस का जड़ है ना, रंगी सन्नी यमसुदुल, कोई भूत प्रेत होता तो बस संगे की का दिन बादम, छोस की का दिन बादम, गेंदुन जी का दिन बादम, अगर संगे सच है, छोस सच है, गेंदुन सच है, तो उसकी कृपा और उसके जिल्लत से मेरे घर के अंदर कोई भूत प्रेत हो तो निकल जाओ, खुद ही पूजा कर दो यार, पता होगा तो हट जाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। छोस छोस क्या सीख रहे हम लोग, धर्म सीख रहे हैं, धर्म समझ गया ना, धर्म कोई दूसरा चीज है, कर्मकांड कोई दूसरा चीज है, छोसु कौन लानो, छोसु कौन लानो, छोसु कौन समझन थमझे तो देवावता है इस्लामिक से, छी की जवा दे समझन थमझे ला फेन था गे जे तो समझन थमझे देवा दम देवे के तो विदे पर दे छे समझन थमझे तुंगा की जीव दा डालवरा जुरजे, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, छस का है संगस का है ना, ये सन्मत जी बोलते हैं, लेकिन पांच छह लामा जी और जो भी पूजा बड़े बड़े रिंपोचे को घर में बुलाते हैं, समझन बोल क्या हो जी, मेरा यहाँ ये है जी, मेरा वहाँ ये है जी, यहाँ वो मेरा मैं मेरा मैं मेरा, समझन थमझे गया बाढ़ में खत्म। अरे यार लामा जी लोग को बुलाओ, घर में पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो ना, ठीक बात है, लामा जी लोग को नहीं बुलाओ नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बात है, लामा जी लोग जो पढ़ते हैं वो संगस का ही सिख होता है, छोस का ही सिख होता है, वो भी सम्मा लंडू में पढ़ते हैं, बर्ची लम से बोलते हैं, जदबचन जी पढ़ते हैं, उसमें है कर्म कांड में दम है, लेकिन कर्म कांड अपने घर में करोगे भी ना, जब कर्म कांड करने के बाद लामा जी लोग को पहले से बताओ कि आप लोग जब गोवा लगाएंगे मेरे परिवार के लिए ही नहीं समस्त संसार के जीव जंतुओं का भलाई हो करके मलम लगाना जी, बोला कभी बोला आज तक आप लोग ने ऐसा नहीं बोला तो क्या नंबा हो, संघ्यास राजा के पुत्र होते हुए सब कुछ छोड़ करके अपने राज ग्रामे से संतुष्ट नहीं है, इनको सत्य का खोज करना है, दुनिया दुख में डूबा है, उसको दुख के सागर से कैसा निकाला जाए, ये संघर्ष का मलम है, ये संघर्ष का उद्देश्य है, इस जतपा चुनी के इस व्याख्या से आप लोग ये तो सीखो कम से कम, समझ गए ना, लामा जी लोग को बुलाओ, कंजूर पढ़ाओ, अच्छी बात है, और सोच कर माने पढ़ाओ, बर्चित से लगाओ, झिंझट करो, झिझट करते समय भी जितना भी संसार में गैप बर्चित है सब इस ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर भस्म हो जाए, सब प्राणियों का, अपने घर का नहीं, ऐसा करने से क्या होता है बताए, आपका विचार बड़ा हो जाता है, विचार बड़ा हो जाए, शुद्धता आ जाता है, सहजता आ जाता है, आपका घर का बर्चित जला ही जाएगा, संगस की का दिम्बा है, भगवान बुद्ध का वचन सत्य है, छुप का बात सच है, केंद्रीय यमलिम पर लोग का बात सत्य है, इस भावना से गबजी लगाओ, इस भावना से झिंझक करो, इस भावना से कंजूर बढ़ाओ, युमपति बढ़ाओ, लामाओं को बुला के लोक कल्याण का कार्य करो, आपके घर में तो बरकत आएगा ही आएगा, संघर्ष का जिला दे, क्योंकि संघर्ष के विचार और आपका विचार मिलना चाहिए ना, जब तक संघर्ष सिमचिन थमझे के लिए अपना रात पात छोड़ करके जंगल में जाके तप करके सत्य की खोज करते हैं तो हम बोलते हैं नंबा संघर्ष पर, और हम लोग पूजा पाठ से अपने परिवार के अंदर करते हैं, वो भी जी है तो मेरा भाई है लेकिन हमारा दुश्मन नहीं, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए, वो नीचे जाना चाहिए, हमारा ही कल्याण होना चाहिए, और जब पूजा पाठ शुरू कर देते संगे जना ढोला फिंचन संगे डुबरा शुरू ढोला, मतलब सभी प्राणियों का कल्याण हो जाए, अब यहाँ लामा जी लोग को पहले से आप बता के रखते हमारा कल्याण जी वो है ना जी, हमारे बगल में ये तो अपना ही खानदान का है जी, रिश्ता अपना ही है, लेकिन वो लोग हमें तंग करता है, वो तंग ना करे, वो बर्चे उनका तो भट्ठा गोली हो जाए, मेरा प्रगति हो जाए, ऐसा नुकसान लगाता है ना,
वो जरा वो तो आपका नॉर्मल दिमाग से ज्यादा भी खुरवा बड़ा हो गया, खुरचन हो गया, महासंसार हो गया। पूजा के नाम पर यह महासंसार चलता है, समझ गया ना। पूजा का अर्थ ही मन की पवित्रता है, इसको याद करो। पूजा का अर्थ फूल को चढ़ाना नहीं है, छम्मे को जलाना नहीं है, कुछ जोंचा फुलचे करना नहीं है। पूजा का अर्थ, पूजा का अर्थ है मन की सफाई। मन की सफाई हो तो योंचक लगाने से असली योंचक बन जाता है। मन का सफाई हो असली मरने जना से मरने जनाना हो जाता है। मन का सफाई हो कोरा करने से असली मन पर टिकता है। मन की बात है, बताए नहीं। दो चीजें हैं, एक वैदिक परंपरा होता है, एक श्रवण परंपरा होता है। हमारे भारतवर्ष में वैदिक परंपरा में पुराणिक कथाएं होती है, ये भगवान राम वगैरह, भगवान श्री कृष्ण वगैरह, शिव, पुराणिक कथा है ना। लेकिन ये संघस वाला श्रवण परंपरा है, गेजोंग, गेजोंग की लुक बोलता है इसको। इसमें क्या फर्क पड़ता है? गेजोंग का मतलब पुण्य करने में परिश्रम करके पाप को ढूंढना अपने आप, ये फर्क है, इसको याद रखो। किसी पुरानी कथाओं पर विश्वास करके नहीं, गेजोंग गेवा को डुप्शे करने के लिए प्रयत्न करो, समझ गए ना। गेवा को डुप्शे के लिए प्रयत्न करके दिग्पा को छोड़ने का प्रयत्न करना, इसलिए श्रमण बोलते हैं। श्रम करके, श्रम परिश्रम, अपने विचारों को मन से उखाड़ फेंक करके पवित्र विचारों को ला करके लोक कल्याण का कार्य करना, यह संघ चंदन ने इसका तन पार पूछे, समझ गया ना। ये याद रखना, ये यही ऐसे ही यहां से निकल गया ना। तो कह रहे हैं कि फूल खिलकर मुरझा जाता है, शिशु युवा होते होते बुढ़ा हो जाता है, विचार करे प्रिय से वियोग हो जाता है। जो आदमी हमसे बहुत अच्छा प्रिय होते हैं ना, उनसे वियोग हो जाता है, और जो अप्रिय है उससे मिलन हो जाता है। प्रिय से वियोग होना भी तो दुख है, अप्रिय से मिलन होना भी तो दुख है। और उन दिनों में भी, जब राजकुमार सिद्धार्थ जी थे ना, उन दिनों में भी वो जो है जन्मोत्सव मानते थे। ये जन्मोत्सव शायद बर्थडे है, बर्थडे, हम लोग बर्थडे बोलते हैं ना जी। जब जन्मोत्सव मानते थे तो सिद्धार्थ गौतम जी को बड़ा अशुभ लगता था। जन्म उत्सव मनाते समय वो समझते थे कि हर एक साल जन्म उत्सव मनाया होगा ना उनका, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं बोलते हैं। वो जन्म उत्सव मनाते सब वो विचार करते थे, पहले मैं 20 साल का था, 28 साल का होगा, इतना मेरा जिंदगी का अंश चला गया है, मैंने क्या पुण्य किया, ये भावना आ जाता था। वो जन्म उत्सव मनाते समय जो जो उत्सव होता ना, उसके ऊपर ध्यान होता ही नहीं था भगवान का। जब जन्म उत्सव मानते ना, इतना उम्र मेरा डर गया, इतना नजदीक मुझे सत्य की ओर जाना है, ऐसा विचार आता था। तो इसलिए हम लोग भी आजकल जन्म दिवस मानते हैं, चलो ये संसार की संस्कृति है, चलो मनाओ। मतलब उस दिन जब दीप धूप जलाते हैं ना, उस समय ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि मुझके अंदर पुण्य की भावना आए, दुर्भावना नहीं आए। दीप धूप जला करके पुण्य की भावना आए, दुर्भावना ना आए, और जितना आयु बचा उसमें पुण्य करने का मौका मिले, चांस मिले, ऐसा भावना रख के बर्थडे मनाया गया, तो फिर वह सार्थक हो जाता है। और नंबा संजस का साल साल में हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने के बाद हैप्पी डेथ डे टू यू जैसा हो गया, क्योंकि मरने का जो समय जो है ना नजदीक आता है। मैं सत्य का बात कर रहा हूँ, आप लोग सोचिए समझिए ना। बर्थडे मानना मैं गलत नहीं मान रहा हूँ, बर्थडे मनाओ, गुआ मलम करके अपने बच्चों का बर्थडे मनाओ, अच्छी बात है। लेकिन एक गुआ मलम पुण्य की, पुण्य विचार के साथ, अनाथों के आश्रम में जाओ, अनाथों को दान दो, बर्थडे मनाया उसका छे रूंशे करेगा, छे जिसको भोजन नहीं है भोजन खिलाओ, जो वस्त्रहीन है वस्त्र खिलाओ। सबसे बढ़िया अनाथों, जिसके माता पिता नहीं है, अनाथ स्कूल है ना, वहां जाके पेंसिल दे दो, पेन दे दो, भोजन दे दो, कपड़े दे दो, और बर्थडे वैसा मनाओ। तो बर्थडे मनाना जो है संजय चंदन देगा चौस करने जैसा हो जाएगा, दान से संबंधित हो जाएगा, है ना जी। वही फिर ऐसा ऐसा ये बुद्ध की विचार उस समय का, ऐसा विचार करते 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 उन्होंने क्या ठान लिया, अब मुझे गृह त्यागना है। यहाँ मेरे को सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं, और मेरे सभी सहयोगी सब मुझे मदिरा पिलाते हैं, फिर उल्टा सीधा काम करा रहे हैं, यहाँ सत्य का खोज होने वाला नहीं है, मुझे सत्य का खोज करना है, इसलिए मुझे गृह त्याग करना है, बोल के भगवान ने प्रण कर दिया, रत्तु जुंगा, है ना जी। फिर रत्तु जुंगे करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो बड़ा असमंजस में पड़ गया। यशोधरा जी बैठी है, उनका पुत्र छोटा अभी राहुल शायद दूध पीने वाला है, ऐसा पुत्र को फिर रात के समय उन्होंने प्रण किया, मुझे भागना है, बोलते जाकर के अपने पत्नी के कमरे में जाते हैं। देखा कि यशोधरा का एक बार मुंह देख लूं, बेटे का मुंह देख लूं जाने से पहले,
तो वहां गए थे तो राहुल जो है अपने माता की छाती से चिपक करके बैठा होता है, तो कहीं बेटे को क्या कहते हैं वो असुविधा ना हो, चुपचाप बच्चे का चेहरा भी ढंग से नहीं देख पाया, ऐसा करते प्रण कर लिया भगवान ने और घर को छोड़ करके निकल गया। अपने साथी छंदक को कहा, छंदक जो घोड़े ले जाने वाला ना, छंदक तैयार हो जा, मुझे जाना है। छंदक ने घोड़ा तैयार किया कंथक को, कंथक ये छंदक और कंथक वही है जब बुद्ध का जन्म हुआ, ये दोनों भी जन्मे थे उसी दिन, समझ गया। छंदक संगे चंदन देखा सच्ची, कंथक उनका घोड़ा, तो घोड़ा तैयार किया फिर और निकले जी रातों रात निकल गए। निकल करके कपिल वस्तु से काफी दूर एक नदी पड़ता है, अनोमा नदी, अनोमा नदी को पार किया। पार करके वहां छंदक को अपना जो राजा का वेशभूषा नहीं होता है, चोगा वगैरह अलंकार सब उतार करके छंदक को दे दिया, तुम रख लो इसको। फिर छंदक का कपड़ा खुद पहन लिया, देखते हैं योको का है ना जी, कपड़ा खुद पहन लिया और घोड़े को थपथपाया, घोड़े के आंखों से आंसू निकल रही थी, घोड़े को बड़ा दुख हुआ और छंदक को भी बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोते बिलखते आप स्वामी के जाके। उन दोनों का केवा केवा बहुत जन्म से इन लोग का संबंध था, इसलिए तो 7 जन्म हुआ। अब भगवान जा रहे हैं, इतना दृश्य दुर्भाग्य, भगवान जो है भिखारी बन गया, भिखारी का वस्त्र धारण किए, सब अपना कपड़ा छंदक को दिया, तू पहना, छंदक कहाँ पहनेगा, पहना एक धोती जैसे लगा के, घोड़ा आंसू बहा रहा है, फिर आगे चले गए। बार बार घोड़ा जो देखता है भगवान, फिर ऐसा करते 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 छंदक को बड़ा दुख हुआ, फिर ऐसा करते करते कपिल वासु पहुंचे, महाराज से कहा, राजकुमार तो चले गए, फिर राजा दुखी हो गए, सारे राजमहल में कपिल वस्तु नगरी में मातम छा गया, मातम छा गया, सब लोग रोना धोना। कई लोग श्रद्धा से देखते थे राजकुमार सिद्धार्थ को, कई लोग राजकुमार की दृष्टि से देखते थे। फिर वहां से आगे जाते हैं भगवान, जा करके पार हनुमान नदी के थोड़ी देर पार जाके एक पेड़ के नीचे अपने तलवार से अपना केश खुद काटते, काट करके फिर गिरवा वस्त्र पहन करके फिर यहाँ वहां भटकते हैं, मुझे कहाँ जाना है, ये है वो है वो क्या। आगे जाके एक भृगु ऋषि का आश्रम था, वहां पहुंचते हैं, वहां उससे जो कुछ ज्ञान ज्ञान सीखा उस ज्ञान से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्हें संतुष्टि नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिले। फिर आगे वहां से आगे भारद्वाज नाम का एक संत था, उसके आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने पूछा कि दुख का क्या कारण है, दुख कहाँ से आता है और सुख का रास्ता क्या है, उससे पूछा, उसको नहीं आया बताना, उसको सिर्फ दूसरा ही ज्ञान आया, फिर भी तुम मुझे सिखाओ बोल के राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, तो सिखाया। तो उसने क्या सिखाया बताया भगवान, उसको बिना उबाल कर खाना कैसा खाना चाहिए, जड़ी बूटी है ना, मछली की तरह कैसा पानी में बैठ बैठ सकता है ना जी, शरद की तरह बिना कुछ खाए वायु बक्षी कैसा बन सकते हैं, कुछ ऐसा ऐसा उल्टा सीधा सिखाया, मतलब बिना खाना नहीं खाए वो करके कैसा कैसा बैठ सकते, कुछ ऐसा है ना जी, और अपने सिर में अग्नि को जला करके लोग को कैसा प्रकाश, कुछ इंद्रजाल टाइप का ऐसा सिखाया बुद्ध को। वो जचा नहीं है, तुम क्या सिखा रहे हो, ये मुझे यह नहीं सीखना है, मुझे दुख का मारक से हट करके सुख का मारक क्या है वो सीखना है, तू मुझे ये क्या सीख रहा है, बोलते है ये स्वर्ग का मारक है होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्य तो मेरे राजमहल में है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, अच्छा ज्ञान हो तो सिखा, नहीं तो आपने जो कुछ सिखाया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि वहां से आगे चले जाते हैं, समझ गया ना। तो इसको क्या कहते हैं, रत्तु जुंगवा बोलते कहते हैं। उस दिन जो है उसके बाद कहते हैं कि 7-8 दिन जो है कपिल वस्तु नगर जो है पूरा सुनसान, सभी आदमी के होते हुए, सब राजमहल में सब संपन्नता होते हुए, वैभव धन संपत्ति सब होते हुए भी बिल्कुल जीरो जैसा लग रहा था, बोलते हैं हवाओं ने हिलना छोड़ दिया था, बोलते हैं चिड़ियों ने चेकना छोड़ दिया था, बोलते हैं कंथक घोड़ा तो 7 दिन घास ही नहीं खाया, बोलते रोते रहा, बोलते तो ऐसा ऐसा करते करते बुद्ध थोड़ा आगे चलते हैं। आगे जा करके एक आलार कलाम बोल के एक ऋषि के वहां पहुंचते हैं, तो उनके पास जाकर के उनसे बोलते हैं कि हमें कुछ ज्ञान सिखाइए, दुख से निकलने और सुख की ओर जाने के लिए ज्ञान। आलार कलाम जो उन दिनों में 2570 साल पहले उन दिनों में बहुत बड़े ऋषि के रूप में मानते थे लोग, उसे भगवान ही मानते थे, लेकिन दुर्भाग्य वो था कि ध्यान की अवस्था होती है ना, नमलिंग का कम का उसको सिर्फ 7वां ध्यान तक ही आता है,
समदेन धनबो निपा सुम्बा शिवा नवा टुकबा धुम्बा एक हम लोग नमलिंग करते हैं तो क्लेश को नमतों को हटा करके सम का एक तोकबा ऊपर शर्षी करने के लिए गम होता है वो सिर्फ सातवां गम तक आता है उसके आगे उसको आता ही नहीं सातवां गम तक संगेश ने उससे सीखा फिर उनसे पूछा और क्या सीखना है मुझे और सिखाओ ये है वो फिर बोलता है मुझे तो इतना तक आता है इससे आगे मैं खुद ही नहीं जानता फिर उससे भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए फिर वहां से आगे गए उन दिनों में उन्होंने बताया कि मेरे से भी एक स्टेप ऊपर वाला जो भम नमलिन जानने वाले उद्धक राम पुत्र है बोलते हैं इसको अला कलाम को रिंफुर बोल के लिखा हुआ है छस में ना और उद्धक राम पुत्र को गजे गो बोल के लिखा है वे ऋषि थे वहां गया उन्होंने आठवां ध्यान तक सिखाया आठवां ध्यान तक सिखाने पर भी पूछा कि यही है लेकिन ये जो ध्यान था ना ये ध्यान सिर्फ संसारिक ध्यान था यह ध्यान हमारे सनातन धर्म में भी है हमारे महाभारत वगैरह गीता वगैरह उनमें भी आते हैं इतना तक ध्यान उससे आगे सीखना चाहते थे बुद्ध संसार के परे की ज्ञान सीखना चाहते थे वहां उन दिनों तक वहां तक इसी मित्ता बोलता क्या सब कुछ सीख लिया उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए इसलिए तो भगवान ने प्रण कर लिया कि मैंने जो सीखना था सीखा अब मुझे खुद को सीखना है खुद ही बमजमन करके खुद ही मुझको सत्य का रास्ता ढूंढना है बोलते उन्होंने ऐसा प्रण किया आगे जाते हैं आगे जाकर के राजगृह में पहुंच जाते हैं राजगृह जब था आप लोग गए नालंदा वगैरह जहां राजगृह में जाते हैं राजगृह में जब वो नगर के बीच से चलते हैं तो वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए ऐसा लगता था कि जैसा कि पूर्णिमा का चंद्रमा खुद उतर करके धरती में चल रहा है ऐसा लग रहे थे इतना सुंदर राजकुमार क्योंकि राजा के पुत्र थे जमचुक संपा थे साचु थर्सन करके उनके चेहरे में चमक इतना दिव्यमान इतना सुंदर पांच रश्मियां निकल रहे इतना शाल इन शाम गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं गेरुआ वस्त्र मतलब जो ढावा का पीला जैसा जो गेलोंग लोग नहीं पहनते हैं वो भी चिथड़ा टाइप का छंडक का ड्रेस है ना वो पहन के जा रहे थे हाथ में लुंगजेल लेकर के घर घर जा करके भिक्षाटन कर रहे थे संयम ले रहे थे तो लोगों ने देख करके हैरान हो गए सब हक्का बक्का रह गया इतना सुंदर इतना दिव्यमान मैंने बताया ना जैसा कि चंद्रमा स्वयं जो जमीन पर आकर के चल रहे हो इस तरह से दिव्यमान होते हुए राजकुमार राजगृह के नगरी में भिक्षाटन कर रहे थे जब ये भिक्षाटन कर रहे थे तो उन दिनों के महाराजा बिंबसार गेल्पो ज़ुग्ज़ेन निंबो संगेस का सबसे पहले राजाओं में शिष्य ज़ुग्ज़ेन निंबो को पता लग गया बिंबसार जी को कि एक ऐसा दिव्यमान एक 29 साल का भगवान बुद्ध ने 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया था 29 साल की उम्र में 29 साल का ये इतना जो है इतना जो दिव्यमान जो जवान लड़का ये किसी राजघराने का लग रहा है किसी राजकुमार राजा का पुत्र लग रहा है ऐसा लोगों को आभास हुआ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये कोई बहुत बड़ा साधु संत है लेकिन जन्म इसका कोई राजघराने में हुआ करके ऐसा हल्ला गुल्ला निकल गया महाराज बिंबसार जी अपने महल में बैठे थे लोगों से यह समाचार सुना खुद स्वयं जा करके भगवान के दर्शन के लिए नीचे आए तो उनको पता नहीं था कौन आ रहा है फिर उनसे पूछ रहे हे आप कौन हो इतना दिव्यमान इतना सुंदर इतना तेजस्वी आपके चेहरे में कांति है ये आप कौन है यह फिर उन्होंने कहा मैं महाराज शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ हूं बिंबसार जी का प्रिय मित्र थे शुद्धोधन जी महाराज बिंबसार जी का प्रिय मित्र थे छुटोक थे जलपो सुजिन निम्बो की छुटो संजय चंदन ने की यह जलपो से संबंध पता है कि मेरे मित्र का पुत्र आप क्यों आया ब्राह्मण क्या आपको कपिलवस्तु अच्छा नहीं लगा क्या वहां कोई दोष है आप यहां बैठी है भिक्षा मांगते हुए राजकुमारों को शोभा नहीं देता अब मेरे पास बैठिए मेरे राज्य का आधा भाग आपको सौंप लेता हूं यही राज कीजिए यही बैठिए ऐसा प्रार्थना किया सिद्धार्थ जी से कई बार उन्होंने समझाया बुझाया लेकिन उन्होंने बताया कि बुद्ध ने जब किसी घर में आग जल जाए तो उस जले हुए घर के अंदर कोई दूसरा आदमी प्रवेश कर सकता है जब मछली जो है किसी पानी में चला जाए मछुआरा के जाल से छुटकारा पाके दोबारा मछली मछुआरे के जाल में जा सकता है समझ गए ना जब कोई कैदी जो कैद से छूट करके बाहर दोबारा वो कैद में जा सकेगा मैं उसी तरह हूं महाराज मुझे राजघराने सब कैद जैसा लगता है वहां कोई सुखी नाम की चीज नहीं है बुढ़ापा वहां है मरना वहां है रोग होना वहां है अशांति वहां है तो उस वैभव माया रूपी जो हमको ठगते हैं हमारे मन को ठगते हैं संसार इसी प्रपंच में फंसा हुआ है उस प्रपंच में मुझे नहीं फंसना है इस प्रपंच को तोड़ने का रास्ता क्या है तोड़ने का समाधान क्या है
उसको तोड़ने का, उस रस्सी को जिसमें सारे संसार के लोग जड़ते हुए हैं, दुख में दुख से जुड़े हुए हैं, उस दुख को तोड़ने का रास्ता क्या है? उसी सत्य की खोज में मैं जा रहा हूं। मैं कैसे राजघराने में वापस जा सकता हूं? नहीं जा सकता। मैं आपके राज्य में कैसे राज्य कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मेरा भावना अलग है, मुझे यह संसार कैद जैसा लगता है, मुझे यह संसार दुख का सागर लगता है, मुझे यह संसार दुख का तपती हुई आग की ज्वाला जैसे लगती है। मैं उस आग ज्वाला से को छोड़ करके सत्य की खोज में जा रहा हूं, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? महाराज मैं कभी नहीं हो सकता। कई बार महाराज बिंबिसार ने प्रश्न किया दोबारा दोबारा, ऐसा नहीं है, वैसा है। राजाओं का अपना औकात होता है, अपना एक डिग्निटी होता है, राजा खानदान को ऐसा शोभा नहीं देता है, भीख मांगना ये वह अगड़म बगड़म बहुत कह दिया। तो उनके मन में कैसा लगेगा? झमचुक सेम्बा, साचुपो का झमचुक सेम्बा, अब हम लोग को रास्ता दिखा रहे हैं धर्म का, ना? उन्होंने नहीं माना। फिर अंतिम क्षण में महाराज भीमसार हार करके कहते हैं, मुझे पता लगा कि आप वास्तव में बहुत सज्जन हो, बहुत मान हो, निश्चित रूप से आप बुद्ध हो जाएंगे, आप संघर्ष हो जाएंगे, लेकिन मेरे आपसे एक जुआ है, एक रिक्वेस्ट है, जब आप बुद्ध हो जाएंगे मेरा दर्शन पका देना, मुझे दर्शन पका दे दीजिएगा। फिर बुद्ध ने कहा, मुस्कुरा दिए, मैं दूंगा आपको दर्शन, आप फिक्र मत कीजिए। इसके बाद तो बाद में दर्शन करने आए थे, वो लंबा लंबा कथा है ये, इसलिए तो 10 दिन तक चलने वाला ही है ना जी। कोई बात नहीं, किसी का कोई समय कम होगा, आप लोग यहाँ नहीं बैठ पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारे मित्र मंजीत जी है, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो संदेश जो है सरल हिंदी भाषा में सबको समझ में आ जाए कि बुद्ध की क्या चीज है, इन्हीं उद्देश्यों के लेकर के हम लोग ये चला रहे हैं। बोधिचिता फाउंडेशन, ये बोधिचिता फाउंडेशन, बोधिचिता मतलब जंगचू की सेम, इस बम्बा का नाम मैंने जंगचू की सेम रख दिया जी, ताकि यहाँ से लोग जंगचू का सेम को समझ के जाए और संगीत के टेम्पा रिम्पोचे को अनुभव करके जाए, यही मेरा प्रार्थना था, यही मलम था। तो यहाँ महाराज भीमसार जी के बात को नहीं सुनकर बुद्ध आगे की ओर चले गए। कल मैं आपको निरंजने के बारे में बताऊंगा, जहाँ बुद्ध पहुंचते हैं क्या क्या करते हैं। तो आज की धर्म सभा बुद्ध अमृत वाणी बुद्ध लीला का जो भागवत कथा है, यहाँ पर मैं समापन करता हूँ। जो पुण्य हम लोग ने अर्जित किया है, उस पुण्य से संसार के सभी प्राणी सत्व जीव जंतु, चाहे नरक के हो, प्रेत के हो, जानवर त्रियक हो, असुर हो, देव हो, मनुष्य, सबको सुखी मिले, सबको मंगल मिले, इस धारणा के साथ, इस विचार के साथ सभी मनुष्य को सुगति मिले, अमृत रूपी धर्म देशना का पान करके सब इस दुख रूपी भवसागर से निकलने के रास्ता को अनुभव करें, वो जाने। इन्हीं विचार को लेकर के चलिए मलम लगाते हैं, संगे होपस होपा में का मलम देवा चिंगी सिंघम हो गया ना, उस मलम के द्वारा समापन करते हैं। अपने मन को शुद्ध रखिए, एकाग्रचित होकर के मलम, दोबारा मलम का मतलब क्या है, हम लोग जो इच्छा करते हैं उसकी पूरी हो, इच्छा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत इच्छा नहीं होना चाहिए, समस्त प्राणियों की सुख की इच्छा होना चाहिए, समस्त प्राणियों को दुख से दूर करने की इच्छा होनी चाहिए, तब संघर्ष के छस में हम लोग जा सकते हैं, अन्यथा छस का विरोध हो जाता है। ये इच्छा है ना जी, सभी प्राणियों की भलाई के लिए अच्छे सदगति आए, वो सदगति सब में जागे, मलम मुआ का मतलब जो हम लोग ने पुण्य अर्जित किया उसको बांटना है। जैसा आधा किलो हलवा हो ना, तो 20 आदमी बैठा, 20 को बांट दिया बराबर, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, ये मुआ होता है। जो हम लोग ने जो पुण्य अर्जित किया उसको बांटना ही मुआ होता है, लेकिन शुद्ध चित्त से, पवित्र चित्त से, सेम दुलवानी लग पाते, सेम दुलवानी थोड़ी थोप बोलते है ना, ऐसा भावना होना चाहिए। Chao,
겹내 권총 숨질 다시 쇼.